हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया के अंदर जितना भी फार्मा कंपनी है वो अच्छा खासा रिटर्न आपको दे चुका है और लगातार ये दे भी रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसा एक फार्मा कंपनी के बारे में जिसके बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है और आगे देने का पोटेंशियल भी रखता है। तो इसका नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। तो पहले हम लोग देखेंगे कि मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का काम क्या है, उसके बाद इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इसका देखेंगे कि इसका फाइनेंशियल कैसा स्टेटमेंट है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, और करना भी है तो कब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ कि कोई भी स्टॉक या शेयर में निवेश करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर शेयर का पर्टिकुलर स्टॉक का रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोई भी कंपनी लेने से पहले आपको उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना, फाइनेंशियल देखना, मैनेजमेंट को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लंबी दूरी के हिसाब से निवेश करना चाहते हैं। तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर एक पैथोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है और उसके रिलेटेड काम काज ये करते हैं, जैसे आपका ब्लड टेस्ट हो गया, आपका आई टेस्ट हो गया, तो ये सारे काम मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के द्वारा आप कर सकते हैं। अब इसका मार्केट कैप के बारे में बात करें तो वो है करीब 15,000 करोड़, जो एक मिड कैप कंपनी है, और स्टॉक की पीई की बात करें तो वो है 80, जो थोड़ा सा आपको महंगा दिखाई दे रहा है। आप फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 का क्वार्टर फोर कंपेयर करेंगे तो आप दिखेगा कि आपका जो 42% ईयर ऑन ईयर आपका रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आपको दिखाई दे रहे हैं, और पेशेंट जो विजिट हुआ है उसके अंदर 29% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको दिखाई दे रहे हैं, और नंबर ऑफ टेस्ट की बात करें तो है करीब 6.5 मिलियन। तो एक अच्छा खासा नंबर ऑफ टेस्ट जिसने किया है, जो ईयर ऑन ईयर 23% अप आपको दिखाई दे रहे हैं। अब फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 का कंपेयर करें तो रेवेन्यू के अंदर भी अच्छा खासा जंप इसने दिखाया है, लेकिन जो नंबर ऑफ टेस्ट है उसमें थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, क्योंकि जो कोविड का प्रेशर था 2021 के अंदर था, तो उसमें आपका थोड़ा सा गिरावट आपको दिखाई दे रहा है। अभी जो स्क्रीन पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं, क्योंकि नॉन कोविड जो रेवेन्यू है वो कितना आया है, ईयर ऑन ईयर कितना परसेंट ग्रोथ यहाँ पे दिखा चुका है, और उसके बाद कोविड का रेवेन्यू कितना आया है, और उसमें भी कितना बढ़ोतरी आपको ईयर ऑन ईयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और टोटल रेवेन्यू ये नीचे की स्लाइड में आप देख पा रहे हैं। इस स्लाइड के ऊपर आप इसका जो मंथली वाइज रेवेन्यू है उसको कंपेयर कर पाएंगे, जनवरी 2020 से लेके जनवरी 2021, तो ये कंपेयर आप कर सकते हैं, फरवरी का भी है और मार्च का भी है, एज वेल एज राइट साइड में आपका ईबीटा की कंपेयर भी यहाँ पे किया हुआ है। तो कैसा आपका ग्रोथ आपको देखिए, हर जगह आपको ग्रोथ आपको नजर आएगा। इस स्लाइड के ऊपर आप रेवेन्यू का चार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हो गया, ये ऊपर का जो चार्ट है ये है आपका फाइनेंशियल ईयर 2020 का, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैसे नीचे की तरफ गया था। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2021 का आप बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 21 में कैसे लगातार ये ऊपर की तरफ ये मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। इस स्लाइड के ऊपर आप अच्छी तरह से नजर रखिए, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कंपनी का मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का कोविड के ऊपर कितना डिपेंडेंसी है और इस कोविड के ऊपर कितना डिपेंडेंसी नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे क्वार्टर वन 2021 में 71% जो रेवेन्यू आया था वो नॉन कोविड टेस्टिंग के वजह से आया था, और करीब 30% का रेवेन्यू कोविड पेशेंट की वजह से आया था, तो वो डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो लास्ट जो क्वार्टर आया था क्वार्टर फोर 2021 जनवरी टू मार्च, उसमें 86% जो टोटल टेस्ट हुआ उसके अंदर वो नॉन कोविड का टेस्ट हुआ है, और कोविड का टेस्ट जस्ट करीब 15% का है। तो फ्यूचर में ये कम होते जाएगा और आपका जो नॉन कोविड टेस्ट है वो बढ़ते जाएगा। कभी भी कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका ईयर टू ईयर कंपेयर करना ज़्यादा बेहतर होता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो इस स्लाइड के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के अंदर जो पेशेंट का फ्लो है वो कैसे लगातार इम्प्रूव हो रहा है। 2017 की बात करें तो 7 मिलियन इसका कस्टमर था, पेशेंट था। उसके बाद 2018 में अप हुआ 7.7, उसके बाद 2019 8.9 मिलियन हो गया, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो वो करीब पहुंच गया था 10 मिलियन। उसके बाद कोविड का थोड़ा सा पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, विजिट कम होने की वजह से ये 9.8 में अभी अटका हुआ है, लेकिन लॉन्ग रन की बात करें तो ये लगातार ये ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। उसके साथ साथ आप इसका टेस्ट भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टेस्ट में भी ये कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा चुके हैं। 2017 की बात करें तो वो करीब था 4.3 मिलियन टेस्ट,
और वो बढ़ के हो गया करीब 20 मिलियन टेस्ट। तो ये लगातार हर साल इम्प्रूव होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अभी कंपनी का टोटल बिजनेस की बात करेंगे तो भी यहाँ पे रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है। उसके कंपनी का रेवेन्यू पर पेशेंट की बात करें वो भी लगातार बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। जो 2017 में चार्ज करता था 780 रुपीज करीब, वो अभी बढ़ के हो गया 1015 रुपीज पर पेशेंट। और पर टेस्ट की बात करें उसमें भी आपको अच्छी तरह से बढ़ोतरी आपको दिखाई दे रहा है। जो पहले 2017 में चार्ज करता था 381 पर टेस्ट, वो अभी चार्ज कर रहे हैं करीब 525 रुपीज पर टेस्ट। इस स्लाइड के अंदर आप देख पा रहे हैं कि कंपनी का कहां कहां से कितना रेवेन्यू अर्न होता है। तो यहां पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट करके डिवाइडेड किया गया है। कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, फ्यूचर में प्लान किया है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस कंपनी ने कुछ प्लान जैसे डिस्क्राइब किया हुआ है। जो नेटवर्क एक्सपेंशन है, कंपनी ने प्लान किया है कि 90 लैब्स और 1800 सर्विस सेंटर खोलने वाला है आने वाले 3 साल के अंदर। तो ये अच्छा खासा टारगेट हो जाता है कंपनी के लिए। और इसने जो होम विजिट है वो भी बढ़ाने का ऐलान किया है, जो 100 लोकेशन अभी 1 साल के अंदर और 200 लोकेशन नया जोड़ने वाला है विद इन 2 ईयर्स। और कंपनी लगातार अपने को डिजिटली ये मॉडिफाइड करते जा रहा है। तो कोई भी काम ये आप डिजिटली इसके साथ जोड़ सकते हैं। और आगे जाके कंपनी ने अपना जो मार्जिन है वो थोड़ा सा बढ़ाएगा। तो इससे क्या होगा, इसमें क्या होगा कि प्रॉफिट में ये असर होगा, तो इसका प्रॉफिट बढ़ते रहेगा। कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें तो वो करीब ना की बराबर है, करीब 100 करोड़ रुपीज इसके ऊपर डेप्ट है। और इसका रिजर्व कैश देखेंगे तो वो है करीब 700 करोड़। तो कंपनी के ऊपर कोई रेड फ्लैग ज़्यादा दिखाई आपको नहीं दे रहे हैं। आगे का एक्सपेंशन भी वो अच्छी तरह से करने वाले हैं। जितना भी फंडामेंटल इसको एनालिसिस किया गया उसमें हर तरफ इसका ग्रोथ की इशारा ही दे रहा है। इसी की वजह से कंपनी का जो पीई है वो आपको थोड़ा सा महंगा दिख रहा है। तो पूरा एनालाइज करने के बाद पता चल रहा है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इसका मैनेजमेंट सच में बहुत ही अच्छा है और ये इन्वेस्ट करने का लायक एक स्टॉक है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि आपका 2 साल के अंदर कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, आपका पैसा को 2 गुना कर चुका है। तो आगे भी ये आगे बढ़ने का दम रखता है। तो कोई भी आपको गिरावट मिलता है तो नीचे की तरफ कभी भी स्टॉक जाता है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक्सपेंशन का प्लान बोलिए, इसका इंडिया के अंदर जो कोविड के बाद लोगों के अंदर एक डर बना रहेगा तो लोग ज़्यादा हेल्थ केयर विजिट करेगा, टेस्ट करवाएगा, तो आगे ये करते रहेगा। और कंपनी का जिस तरह से प्लान किया है वो आगे जाके एग्जीक्यूट भी करने वाला है, तो ये फ्यूचर में एक फ़ायदेमंद हो सकता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon.